नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। वो कहावत है ना कि जुबा में हड्डी नहीं होती, लेकिन शरीर की बाकी सारी हड्डियां तुड़वाने की क्षमता वो रखती है। इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोच जरूर लेना चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। पर कुछ लोग होते हैं जिनको बोलने का सतुना नहीं बैठता और वो करवा बैठते हैं अपनी फजीहत। इसका उदाहरण है उदयपुर शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष कटारिया जी। अब देख लीजिए, उन्हें बोलने का अगर भान होता तो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप और भगवान श्री राम के बारे में उलझुल बोलते नहीं बोलते, लेकिन तीर से निकला कमान और जुबा से निकला शब्द भला वापस कहाँ आता है। तो अब बोल तो गए, चर्चा में भी आ गए और अब ये पड़ रहा है उन पर भारी। अब न निगलते बन रहा है और ना उगलते। महाराणा प्रताप को लेकर दिए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के बयान के विरोध में गुरुवार को क्षत्रिय संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर सभी संगठन एकत्रित हुए और कटारिया का विरोध किया। रैली और प्रदर्शन में करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी, जनता सेना संयोजक रणधीर सिंह भिंडर, लाल सिंह झाला सहित कई राजपूत नेता भी शामिल हुए। रैली में कटारिया का जबरदस्त विरोध नजर आया। बता दें कि गुलाबचंद कटारिया के महाराणा प्रताप और राम को लेकर दिए गए बयानों के विरोध में क्षत्रिय समाज ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देकर कटारिया के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की भी मांग की। प्रदर्शन के दौरान करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि ऐसे विभीषण मेवाड़ की धरती पर नहीं चाहिए, इनको यही खत्म होना चाहिए। महाराणा प्रताप नहीं होते तो आपकी आइडेंटिटी नहीं होती। मकराना ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की तारीफ करते हुए कहा कि कैलाश मेघवाल क्षत्रिय समाज के लिए बात करता है, वहीं अपने समाज के नेताओं की जबान कहाँ चली गई। मकराना ने कहा कि कई क्षत्रिय नेता मंच पर थे मगर उन्होंने कटारिया को नहीं टोका। जिस पार्टी को यहाँ तक पहुँचने के लिए राम का नाम लेना पड़ा, उसी पार्टी का व्यक्ति ये बोले कि हम नहीं होते तो वो समुद्र में होते। मकराना ने कहा कि तुम्हें उसी गहराई में पहुँचा देंगे। इस दौरान मकराना ने गुरुवार शाम को उदयपुर आ रहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चुनौती दे डाली। मकराना ने कहा कि पहले महाराणा प्रताप और राम के विचार करके आना, नहीं तो हम वहां पहुंचे तो कोई विचार और मंत्रणा नहीं होने देंगे। मकराना ने कटारिया को नेता प्रतिपक्ष से हटाए जाने और भाजपा से निष्कासित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर क्षत्रिय समाज आपके पीछे से हट गया तो भाजपा जरूर चली जाएगी। मकराना ने भागवत के दौरे को लेकर भी कहा कि हम चिंतन शिविर में चिंतन नहीं होने देंगे, पहले घर पर चिंतन करके आना। महाराणा प्रताप पर हमें क्या कदम उठाना है। विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षत्रिय जागृति संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह नरूका राजपूत नेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने ये तक कह डाला कि समाज, देश और महापुरुषों के विरुद्ध कोई अनर्गल प्रलाप करे तो उसकी जबान को खींच कर प्रत्यंचा बनाकर उस पर छोड़ दें। नरूका ने कटारिया को आज का मोहम्मद गौरी तक बना दिया। उसके अलावा बीजेपी कांग्रेस के कई नेताओं पर भी नरूका बरसे। उन्होंने कटारिया और डोटासरा को एक बताया। नरूका ने राजसमंद सांसद दिया कुमारी को भी आड़े हाथों लेते हुए पैरों का कंकड़ बताया। नरूका ने कहा कि ये वे लोग हैं जिनके मंच पर रहते हुए कटारिया ने ऐसा बयान दिया था। नरूका ने कटारिया का समर्थन करने के लिए राजेंद्र राठौड़ की भी आलोचना की, वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास की तारीफ की। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।